हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज सिक्स्थ चैप्टर यूजफुल एनिमल्स। अब यूज जैसे प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी है, वैसे ही एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और किस किस वे में कैसे हमें एनिमल्स यूज में आते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज फूड। यस, एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड। एनिमल्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, इनका रियरिंग होता है। एक फार्म में इन्हें रखा जाता है फॉर मिल्क के लिए, दूध के लिए, तो उसे डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि बटर, चीज़, ये सब चीज़ें। और दे आर रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में भी वो रिच होती हैं। अब तो डेयरी फार्मिंग क्या बोलेंगे, द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। फिर उसके बाद है पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या होता है कि ये जो एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी जिसे हैन हो गया, डक हो गए, टर्की हो गए, इन एनिमल्स से हमें मीट और एग मिलते हैं। तो इन एनिमल्स की जो फार्मिंग होती है, रियरिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री। यानी कि द रियरिंग ऑफ एनिमल्स सच एज हैन, डक और टर्की फॉर एग्स एंड मीट इज कॉल्ड और पोल्ट्री। फिर है पिगरी, यानी कि जो एनिमल्स पिग होती है उसके जो मीट के लिए जो उसकी रियरिंग होती है उसे पिगरी बोलते हैं। रियरिंग ऑफ द पिग फॉर मीट इज कॉल्ड द पिगरी। फिर उसके बाद है पेसिकल्चर, यानी कि जो फिश होते हैं उसके मीट के लिए जो उसका मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, वो उसके लिए हम लोग पेसिकल्चर करते हैं। फिर है नेक्स्ट एपिकल्चर। एपिकल्चर यानी कि जो हनी बीज होती है वो हमें हनी प्रोवाइड करती है। सो द रियरिंग ऑफ हनीज, द रियरिंग ऑफ बीज फॉर द हनी प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड द एपिकल्चर। तो यहाँ पे पता चला कि जो एनिमल्स मिल्क के लिए होते रियरिंग की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उसे डेयरी फार्मिंग। फिर कुछ एनिमल्स को मीट के लिए और एग के लिए किया जाता है, उसे पोल्ट्री। पिगरी यानी कि पिग के मीट के लिए जो उसकी रियरिंग की जाती है उसे पिगरी बोलते हैं। पेसिकल्चर यानी कि ये वो जो फिश के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए उसे एक रखा जाता है तो उसे पेसिकल्चर बोलते हैं। एपिकल्चर यानी कि हनी बीज के वो जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसके जो कमर्शियल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके यूज़ के लिए किया जाता है तो उसे एपिकल्चर बोलते हैं। फिर है फाइबर्स। हमें एनिमल्स फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वूल, सिल्क, ये सब फाइबर्स हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो एनिमल्स यानी कि जो शिप की जो रिमूवल ऑफ हेयर है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड द शियरिंग। फिर वो रिमूवल हेयर को प्रोसेस करके वुल बनाया जाता है और उसी वुल से वुलन क्लोथ्स बनते हैं। फिर उसके बाद है फर, यानी कि हेयर। रैबिट, फॉक्स, ये सब कुछ एनिमल्स है जिनके हेयर से एक वुलन क्लोथ्स भी बनते हैं। फिर है सेरिकल्चर, यानी कि जो सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑप्टेन होता है उसे सेरिकल्चर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। और वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो वो सिल्क होता है वो कुकुन से, इन सबसे एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, उसी से ही सिल्क हमें मिलता है। तो ये हो गया फूड एंड फाइबर्स जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज देयर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यानी कि एनिमल्स से हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स की स्किन होती है, उसको यूज करके, जैसे कि टाइगर, लॉयन, स्नेक, उन सब की स्किन को यूज करके लेदर बनाया जाता है और लेदर फिर बैग्स में, क्लोथ्स में, इन सब के काम आता है। आपको मालूम है लेदर्स के बहुत सारे यूज है, तो वो वहीं से एनिमल से ही प्रोवाइड होता है। फिर आइवोरी, ये एलिफेंट जो टस्क होता है, एलिफेंट टस्क से हमें आइवोरी मिलता है जो डेकोरेटिव आइटम्स में यूज होता है। इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स, एलिफेंट्स को किल भी किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्न्स। कुछ एनिमल्स के हॉर्न से भी डेकोरेटिव आइटम्स बनती है। फिर है लैक, यानी कि जो एनिमल लैक होते हैं, यानी कि इंसेक्ट लैक होते हैं, उनसे ये जो कॉस्मेटिक और डाइज बनाई जाती है तो वो भी हमारे यूज आते हैं। फिर है एनिमल डंग, यानी कि एनिमल जो डंग्स, एनिमल डंग्स होते हैं उनकी वजह से हमें बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प होती है, जो गोबर गैस है
उसका बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प होती है, और जो फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में मैनवर ऐड होता है ये एनिमल डंग ही उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा एनिमल्स के क्या यूजेस हैं? फर्स्ट इज लोड कैरियर्स, यानी कि एनिमल्स को लोड यानी कि सामान उठाने के लिए भी मददगार होते हैं, एनिमल्स हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कैमल्स हो गया, बुलक कार्ट्स में भी, बुलक कार्ट्स जो होती हैं उसमें भी सामान भरा जाता है, फिर हॉर्स हो गए, डोंकी हो गए, इन सबको लोड कैरियर की तरह यूज किया जाता है। फिर पेट एनिमल्स, यानी कि जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट्स, ये सब हम लोग घर में रखते हैं एज अ पेट, पालतू जानवरों की तरह रखते हैं, और जो डॉग होते हैं वो हमारे घर को गार्ड करते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इस तरीके से एनिमल्स हमारे यूज में आते हैं, दैट इज फॉर फूड, फॉर फाइबर, फॉर देयर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड फॉर अदर यूजेस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।